या अली मदद, अल वाइज अबू अली, वाइज नंबर 350, रिकॉर्डेड बाय मेहंदी मोमिन एट शुगरलैंड टेक्सास। वाइज एट विनिपेग जमात खाना ऑन March 18, 1994। अली मदद जिंदा रहो, बहुत वर्षों के बाद आपकी जमात में आया हूँ। परसों साल हो गए, आपको देख के बहुत खुश हुआ। दीन दुनिया की बरकतें मिला आपको, देवे सुखी आबाद रहो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अल मुस्तफा व आले मोहम्मद अल मुस्तफा इला कयामा। अल्लाह ताला ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मारिफत से मखलूकात की हिदायत और भलाई के लिए इस्लाम दीन को मुकम्मल किया और हमारे लिए कुरान भेजा कि जिसको 23 इयर्स लगे कंप्लीट होने में। गए वीक में आपने लैलतुल कद्र मनाई, ये वो रात थी कि जिस रात सबसे पहले कुरान नाजिल हुआ और नबी साहब की उम्र उस वक्त 40 बरस की थी। 23 बरस तक ये कुरान थोड़ा 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 उतरता रहा। कुरान शरीफ खुदा ताला की आखिरी और छेली किताब है। इसके पहले भी अल्लाह ताला ने अपने नबियों के ऊपर पैगाम भेजे, वही नाजिल की, अरबी जबान में उसको कहते हैं सहीफे नाजिल किए, और 114 टोटल किताबें खुदा ने नाजिल की, 114। जब मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर खुदा ने तौरात नाजिल की तो उनके पहले जितनी भी किताबें खुदा ने नाजिल की थीं, उन सबको इकट्ठा करके तौरात के अंदर रख दिया और तौरात से लेके जबूर तक, जो जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरी, उसके अंदर उसकी सब पहले की किताबों का जिक्र आया। उसके थोड़े से और अरसे के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर खुदा ताला ने इंजील नाजिल की और उसके अंदर वो पुरानी सब बातों को रिपीट किया। 600 वर्ष के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ऊपर खुदा ने कुरान नाजिल किया और ये कुरान 114 चैप्टर है जिसको हम सूरा कहते हैं, और ये 114 का नंबर खुदा की तमाम 114 किताबों का जो एसेंस था वो कुरान शरीफ में है। इस वक्त लगभग 6,500 आयतें कुरान में हैं, लेकिन कुरान में जो कुछ भी लिखा है इससे थोड़ा ज्यादा, बल्कि बहुत ज्यादा रसूलुल्लाह के ऊपर नाजिल हुआ। और दुनिया के बड़े बड़े जो मुस्लिम आलिम हैं वो इस चीज को मानते हैं और वो लिख गए हैं। खुदा ताला अपने बंदों की भलाई के लिए फरमाता है कि ये वो किताब है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून वबिल ग़ैब व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। ये वो किताब है कि जिसके अंदर उन लोगों के लिए, लफ्ज़ ये है उन लोगों के लिए, सबके लिए नहीं,
जिनों के दिल के अंदर सफाई है, जो अच्छे और नेक है, परहेजगार हैं, मत्तकी कहते हैं खुदा से डरने वाले को, और जो परहेजगारी करे यानी बदियों से, गुनाहों से बचे, उसको मत्तकी कहते हैं, और मत्तकीन उसका प्लूरल है। तो खुदा ताला ने यह किताब बंदों की हिदायत के लिए, इल्म के लिए दी गई। मैंने ये थोड़ी सी आपको ब्रीफ प्रीफेस के तौर पे बात की, लेकिन आज मैं जिसके ऊपर बोलना चाहता हूँ, सूरतुल बकरा जो सेकंड चैप्टर है, सबसे बड़ा लंबा चैप्टर है ये। इसमें खुदा ताला एक दिन सब फरिश्तों को इकट्ठा करके अल्लाह कहता है कि मेरा इरादा है कि मैं जमीन के अंदर अपना एक खलीफा यानी कि वाइसरॉय मैं मुकर्रर करूं। वाइस कॉल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइदुन फिल अर्ज खलीफा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा मैं तहकीक अपना एक खलीफा जमीन में बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अल्लाह को अर्ज की कि अरे खुद आया, हमारे में कुछ कमी है कि जिसकी वजह से कुछ और भी यानी मखलूकात पैदा करना चाहता है? अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये बात नहीं है, मगर मैं जो समझता हूं तुम नहीं जानते। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने आदम को पेश किया और फरिश्तों को बुलाया। आदम को देख के ये फरिश्ते बहुत ताज्जुब करने लगे। फरिश्ते ये समझते थे कि हमसे ज्यादा बेहतर मखलूकात कोई नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कुछ सवाल किया जिसका वो जवाब न दे सके, लेकिन जब आदम को पूछा तो आदम ने सब जवाब दिए। ये कुरान शरीफ की मैं आपको स्टोरी सुना रहा। फरिश्ते गर्दने नीची करके शर्मिंदे हुए, फरमाया अल्लाह ने मैं तुम्हें कहता था ना कि मैं एक ऐसा वाइसरॉय पैदा करने वाला हूं कि जो जमीन के अंदर मेरा रिप्रेजेंटेटिव हो रहे। अब चूंकि तुम नापास हुए हो, ये तुम्हारे से अफजल है, सब इसको सजदा करो। और वो सब ने सजदा किया। अरबी जबान का जो लफ्ज सजदा है, हम ये कहते हैं कि जमीन पर सर रख देने का नाम सजदा है, सच है, ये एक्ट है, लेकिन सजदा उसको कहते हैं कि जो खुद को सरेंडर कर दे रहे। मलाइकों को, फरिश्तों को, अपने आप को आदम के सरेंडर करने का हुक्म हुआ और वो सरेंडर हो गए। कौन सी चीज थी आदम के अंदर के जो फरिश्तों में न थी? हालांकि फरिश्ते तो नूर में से बने हैं, उसका दर्जा तो बहुत बड़ा है, जो खुदा ताला के नजदीक तक जा सकते हैं, खुदा उनसे हम कलाम होता है। तो ये जो फरिश्तों की मखलूकात है, ये तो नूर में से पैदा हुई है, पर आदम को तो मिट्टी में से बना है। अफजल है वो नूर है, आग में से जिन्नात को बनाया, पानी में से पानी के जानवर बनाए, हवा के अंदर हवा के जानवर बनाए। बहुत से हमें आंख से दिखते हैं, बहुत से हमें आंख से नहीं दिखते। ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये हवा में उड़ते रहते हैं और वो हवा में ही से पैदा होते हैं। गंदगी में से जो गैस निकलती है, उसमें से जरासीम जर्म्स पैदा होते हैं। लेकिन आदम को मिट्टी से बनाया, और मिट्टी सबसे नीची है, मगर फिर भी इन नूरी मखलूकात फरिश्तों को खुदा ने आदम के सरेंडर कराया। ये एक बहुत समझने जैसी चीज है। आदम को खुदा ने इल्म दिया, आदम को खुदा ने अपना वाइसरॉय बनाया,
تو وائسرا اس کو کہتے ہیں. عربی زبان کا جو لفظ خلیفہ ہے نا, تو خلیفہ کا مطلب جیسے کہ رسول اکرم کی وفات کے بعد خلافت شروع ہوئی, خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جو رسول کا جانشین ہو گیا. اللہ کا خلیفہ وہ ہے کہ جو اللہ کا جانشین ہو گیا, اس کے اندر علم ہے, اس کے اندر نور ہے, اس کے اندر اتھارٹی ہے. علم بذات خود نور ہے. اللہ نے بے شمار جگہ قرآن شریف میں یہ فرمایا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر تمہاری بھلائی کے لیے کتاب بھیجی ہے اور نور بھیجا ہے. عربی زبان بڑی مشکل زبان ہے, ایک ہی لفظ کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں اور وہ مطلب اس کے یوز کے اوپر ہے, کس طرح اس لفظ کو یوز کیا گیا ہے, کس سینس میں, تب اس کا وہ مطلب نکلتا ہے. تو قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین, خدا تعالی نے نیچے اتارا کتاب اور بیچ میں لفظ واؤ ہے, اس کا مطلب ہے اینڈ اور نور مبین, یعنی کتاب اور چیز ہے, نور مبین دوسری چیز ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں, کتاب اور نور. کتاب تو ہم کو ملتی ہے, دکانوں پہ جا کے قرآن شریف کی کتاب خرید لو, یہ کتاب ہو گئی. قرآن پاک کے لیے اللہ کا خود کا فرمان بھی یہ ہے کہ قرآن جو ہے اس میں ہر قسم کا علم ہے, تمام ٹھنڈی گرمی کی جتنی بھی چیزیں ہیں, یعنی نیگیٹو پازیٹیو, اس کا مطلب یہ ہے قرآن پاک میں ہے. اب جو ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کو اس میں سے بہت سی چیزیں نہیں ملتی, تو کیا اللہ کا فرمان غلط ہے؟ اللہ کے فرمان غلط نہیں, لیکن اللہ کے فرمان میں کچھ سینس ہے. قرآن جو ہے اس کا لفظی مطلب ہے پڑھو یا پڑھنا, نوٹ بھی ہے ورک بھی ہے. جیسے کہ 23 رات کو جبریل امین آئے اور محمد رسول اللہ کو فرمایا, خدا کا فرمان سنایا, اقرا باسم ربک الذی, پڑھو. اس اقرا سے قرآن نکلا ہے. قرآن کا مطلب ہے پڑھو یا پڑھنا. اس کتاب کا نام کتاب المبین بھی ہے, اس کتاب کا نام حمائل شریف بھی ہے, قرآن مجید بھی ہے, اس کتاب کے بہت سے نام ہیں. لیکن یہاں خدا تعالیٰ کی جو وحی ہے, جو محمد رسول اللہ کی زبان سے لوگوں کو سنائی گئی, اس کا مطلب ہے قرآن. اور قرآن 1400 سال ہوئے دینداروں, عربوں میں اترا, آج دنیا کے اندر 15-20 کروڑ عرب ہیں جن کی مدر ٹنگ عربک ہے, اور عربوں میں بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں, بڑے بڑے لٹریری فگرز جائنٹس پیدا ہوئے ہیں, لیکن کسی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کبھی بھی 1400 سال کے اندر کہ میں قرآن کو سب سے زیادہ جانتا ہوں, کسی نے دعویٰ نہیں کیا. آج بھی دنیا کے اندر بہت سے عالم عرب ہیں, مگر کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں قرآن کو جانتا ہوں, کیونکہ خود قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو راسخون فی العلم میں سے ہیں, یعنی خدا تعالیٰ جن کو علم دے دے. یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ جو آدم علیہ السلام کے لیے خدا نے آدم کو کچھ باتیں سکھائی تھیں, یعنی کہ علم دیا تھا, اور وہ علم ہے, وہ نور ہے. کتاب قرآن پاک ہمارے سامنے ہے, ہم اس کو پڑھتے ہیں, ثواب ملتا ہے, لیکن جب تک ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے, نہ ہمیں زندگی کی فلسفی کا پتہ لگتا ہے, نہ ہمیں خدا تعالیٰ کا پتہ لگتا ہے. ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہم کو دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا, اور ہم جب پیدا ہوئے تھے کسی نے ہم کو پوچھا نہیں کہ تم دنیا میں پیدا ہونا چاہتے ہو, ہم کو پوچھا نہیں گیا.
और जब हम मरेंगे तो भी हमारी इजाजत लेने के लिए इसराइल अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे, वो तो पकड़ के ले जाएंगे। न हमारी पैदाइश हमारे हाथ में है, न हमारी मौत हमारे हाथ में है, तो इसके बीच में जो कुछ भी है क्या वो हमारे हाथ में है? हमें कोई इल्म नहीं। और इल्म हासिल करने से खुदा मेहरबानी करके इल्म देता है। इल्म एक किस्म की मेहनत है, जैसे रोजी कमाने के लिए आदमी को मेहनत करनी चाहिए, ऐसा इल्म सीखने के लिए मेहनत करनी चाहिए। मजदूरी करने के लिए इंसान को पसीना बहाना पड़ता है, इस तरह से इबादत करने के लिए भी पसीना बहाना पड़ता है। एक बात सच है, काफिर को पूछो तुझे मरना है तो कहेगा हाँ मरना है, खुदा को नहीं मानता लेकिन मौत को मानता है। आज दुनिया के अंदर 50% मुल्हिद है, शायद इससे भी ज्यादा मुल्हिद कहते हैं खुदा को ना मानने वाले, नॉन बिलीवर्स, लेकिन मौत को मानते हैं। कितनी सच और हक चीज है मौत। तो क्या इंसान पैदा हुआ उसकी जिंदगी का, उसको पैदा करने के लिए खुदा ने कोई मकसद बनाया? इज देयर एनी एम? हमने कभी सोचा कि मैं दुनिया में क्यों आया? हाँ, शायद उस वक्त कि जब मलकुल मौत हमको नजर आएगा और फैमिली को नजर नहीं आएगा, उस वक्त शायद हमें यह बात का अफसोस हो गया, क्यों जिंदगी गुजर गई, मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैंने क्या करना था क्या नहीं किया। अब जो उस वक्त हम हजरत इसराइल को कहें कि भाई मुझे 2-5 बरस और दे दो, तो क्या वो छोड़ देगा? लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है, बहुत से लोग खुदा से मोहलत मांगते हैं, मोहलत मांगते हैं यानी थोड़ा टाइम दे दो, और अल्लाह कहते हैं मैं कभी कभी मोहलत दे देता हूं, यानी मौत नजर आती है, गिर गिराता है, खुदा को कहता है थोड़ी मोहलत दे दे दो, फरमाया अच्छा थोड़ा टाइम और, मगर इंसान फिर भूल जाता है। दरअसलम के अंदर एक बहुत बड़ा आदमी था, बड़ा मशहूर आदमी है, काउंट का उसको मौला ने टाइटल भी दिया, बड़ा मालदार था, लेकिन सख्त बखील माइजर था। और अल्लाह ताला ने कुरान में माइजर को अपना दुश्मन कहा है, बखील अदुवुल्ला, जो आदमी माइजर है, बखील है, कंजूस है, वो खुदा का दुश्मन है। क्यों कहा दुश्मन है? क्योंकि खुदा ताला ने उसको जो दौलत बख्शी वो दौलत के ऊपर बैठ गया है, हालांकि दौलत इसलिए बख्शी कि उसमें से अच्छे काम करे, खुदा की राह में खर्च करे, गरीबों की मदद करे, खैरात करे, अच्छे काम में उसका इस्तेमाल करे, मगर उसने ऐसा नहीं किया, तो खुदा ने उसको जो चीज यूज करने के लिए दी वो उसके ऊपर बैठ गया, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको अपना दुश्मन कहा। ये जिस शख्स की मैं बात करता हूं, बहुत कंजूस, सख्त कंजूस, और उसका बिजनेस क्या था? सूदखोरी, पैसा दे रहे ब्याज के ऊपर, बस उसकी कोई आवक नहीं थी, सिर्फ ब्याज के ऊपर निपटा था, और ब्याज को इसीलिए अल्लाह ताला ने मना किया क्योंकि जो आदमी रोजी कमाता नहीं है, लोगों को पैसा दे के पैसा लेता है, ये उनका खून के बराबर है, यानी वो आदमी खून पीता है, रोजी नहीं खाता, इसलिए उसका दिल दिन ब दिन तंग हो जाता है। एक वक्त आया, बीमार पड़ा, डॉक्टर ने सर हिला के कह दिया तेरा बचना मुश्किल है। अब उसके सारे अंदर की जो सुस्ती गफलत दूर हो गई, बहुत गिर गिराया, मौला को कहा
मुझे थोड़ा टाइम और दे। मौला ने थोड़ा टाइम दे दिया, यानी दुआ मांगी, कबूल हो गई, अच्छा हो गया। और उसने ये नियत की थी कि मैं कुछ अच्छे काम करूंगा। मैं उसकी सारी स्टोरी बयान नहीं करना चाहता, उसमें से जो मॉरल है वही बयान करता हूं। अच्छा हो जाने के बाद भी जो प्लान उसने बांधे थे, जो मौला के साथ प्रॉमिसेस किए थे, वो पूरे न किए। आखिर गुजर गया। मैं ये बात करता हूं 40-42 की, 50 बरस हुए। उस वक्त 40 लाख रुपए की, 40 लाख शिलिंग जितनी प्रॉपर्टी और कैश छोड़ गया, लेकिन 10 बरस भी नहीं हुए थे, एक सेंट भी उसमें से बचा नहीं। कहां चली गई इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी दौलत, वो जमाने की 50 बरस पहले की 40 लाख शिलिंग आज 40 करोड़ के बराबर हो सकते हैं, कहां चले गए, कुछ पता नहीं लगता। मैंने ये बात इसलिए बताई कि बहुत दफा अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कहता है कि मेरे बंदे, आखिर वक्त जब नजदीक आता है, मौत नजर आती है, तो तब मेरे से मोहलत मांगते हैं, तो मैं कभी कभी मोहलत दे देता हूं, हर दफा नहीं देता, मतलब उसका यह है कभी कभी देता हूं, लेकिन तंग दिल जो होते हैं वो तंग दिल ही रहते हैं। तो कुरान पाक ने ऐसी बहुत सी बातें हमें बताई हैं कि जिससे हमारे दिल के अंदर रोशनी पैदा हो गई। अब ये बात कि फरिश्तों को हुक्म किया तुम आदम के सरेंडर हो जाओ, फरिश्ते आदम के सरेंडर हुए। मैं एक बात का खुलासा करूं, खुदा ताला ने कुरान शरीफ के अंदर बहुत सी किस्म के फरिश्तों का जिक्र किया है। मुदब्बरातुल अम्र ऐसे फरिश्ते हैं कि जो खुदा ताला के हुक्म बजा लाते हैं और अलग अलग नेचुरल पावर्स के ऊपर उनका कंट्रोल है। मिसाल के तौर पे हवा, हवा का फरिश्ता है, इसी तरह से मौत का फरिश्ता है, पानी का फरिश्ता है। हवा के फरिश्तों को इसराफील कहते हैं, पानी के फरिश्ता जो कंट्रोल करता है उसको मैकाइल कहते हैं। तो ये मुदब्बरातुल अम्र जो हैं, यानी कुदरत के अंदर जो फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस बजाते खुद फरिश्ते हैं। एक और जगह अल्लाह फरमाता है कि हमारे हुक्म बजा लाने के लिए जो फरिश्ते हैं उनमें बहुत से ऐसे फरिश्ते हैं जिनके दो पर हैं, पर यानी विंग्स। फिर खुदा कहता है कोई ऐसे हैं कि जिनके तीन विंग्स हैं, कोई ऐसे हैं कि जिनके चार विंग्स हैं। आज हमको दिखता है दो इंजन वाला एरोप्लेन है, तीन इंजन वाले एरोप्लेन भी हैं, चार इंजन वाले भी एरोप्लेन हैं। खुदा ताला ने इंजन का जिक्र नहीं किया, पर का जिक्र किया। पर यानी विंग्स, उसका मतलब है उड़ सके, उसका मतलब है काम कर सके, इसका मतलब है उनके पास ऐसी एनर्जी है। ये अलग अलग किस्म की खुदा ताला की मखलूकात है। कुरान पढ़ने से हमें इतना इल्म मिलता है, मगर सोचना चाहिए कुरान इंसान घर पे नहीं पढ़ सकता, उस्ताद की जरूरत होती है। यानी कि खुदा ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को ये इल्म बख्शा कि जो खुदा की फोर्सेस हैं नेचर की, वो उसके ताबे हो जाएं। आप एरोप्लेन में उड़ते हो, C-130 एरोप्लेन अमेरिकन मिलिट्री के पास है, वो सिविल एरोप्लेन नहीं है। उसके अंदर 1000 आदमी उठाए जा सकते हैं, टैंक और मोटरें अंदर जाती हैं। ये सारे का सारा इतना बड़ा प्लेन के जिसमें इतना वजन हो गए, जमीन से ऊपर 8 मील ऊपर, 40-45 हजार फुट ऊपर, 500-600 माइल की स्पीड से उड़ता है, क्या चीज है? आपको इसमें कुछ ख्याल आया? हम इसको कहते हैं साइंस। यही वो साइंस है जो अल्लाह ताला ने आदम को सिखाई और उसकी मारिफत से उसकी औलाद को मिली। खुदा ने इंसान को ऐसा दिमाग दिया है कि उसके अंदर
नेचुरल फोर्सेस को कब्जे करने की ताकत है। 82 की सिल्वर जुबली के मौके पे मौलाना इमाम शाह करीम हजर इमाम दार सलाम आए, उस वक्त का आप जो दरबार का फरमान पढ़ो, इमाम फरमाते हैं इस्लाम हैज नो क्वारल विद साइंस। इस्लाम और साइंस का कोई आपस के अंदर दुश्मनी नहीं है, झगड़ा नहीं है, क्योंकि साइंस खुदा ताला ने पैदा की है। बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं मौला फरमाते हैं कि जो स्वोलन हेडेड हो गए हैं, मतलब कि उनका ईमान नहीं है खुदा ताला के ऊपर, तो वो ये समझते हैं कि हमने सब कुछ ये बनाया है, लेकिन हजरत इमाम हस्त कहते हैं हु मेड देयर ब्रेन, जिस दिमाग से उन्होंने ये सब काम किया, डिस्कवरीज की, तो माँ बाप कहते हैं उनके ब्रेन को किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया। तो खुदा ताला की जब मर्जी होती है तब ये चीजें आती हैं। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने जब अपना नूर बख्शा और अपना वाइसरॉय बनाया, वाइसरॉय उसको कहते हैं जो आधा बादशाह हो गए। वाइस का मतलब सेकंड नंबर का, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन। रॉय जो है वो रॉयल है, किंग को कहते हैं। वाइस रॉय यानी सेकंड टू किंग। खुदा ताला ने यहां आदम को अपने सेकंड नंबर पे रखा। आदम अलैहिस्सलाम को जो खुदा ताला ने ये फजीलत बख्शी, क्या वो टेम्परेरी थी, सिर्फ आदम तक के लिए थी? कुरान में उसका जवाब है नहीं, हमेशा के लिए है। क्योंकि खुदा ताला ने और भी बहुत सी जगहों के ऊपर ये कहा कि मैंने दुनिया के अंदर किताब भेजी और अपना नूर भेजा, नूर मुबीन। मुबीन कहते हैं जिसको हम आंख से देख सकें, वो नूर के जो को हम आंख से देख सकें। हमारी आंख में ये ताकत नहीं है कि हम उसको नूर को देख सके। हम सूरज को देख नहीं सकते, नूर को कैसे देख सकते थे? मगर यहां मुबीन का मतलब है हमारी अंदर की आंखें, तो रूहानी आंखों से हम उसका दीदार कर सकते हैं और अपने दिमाग के इल्म से हम उसकी शनाख्त कर सकते हैं। रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग हमेशा बैठे रहते थे। नबी के जमाने के अंदर आपकी जो नबूवत थी 23 बरस चली, हालांकि वो नबी तो जिंदगी भर थे, पैदाइशी नबी थे। हर इमाम, हर नबी मां के पेट से पैदा होते हैं, उनके पास वो नूर होता है, मगर जाहिर उस वक्त करते हैं जब खुदा का हुक्म होता है। ईसा नबी जो थे वो 30 बरस की उम्र में उनको हुक्म हुआ कि अभी तुम नबूवत जाहिर करो। हजरत रसूल अकरम को 40 बरस की उम्र में जाहिर करने का हुक्म किया। आपको समझ आ सके इस प्रिंसिपल की, तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। क्योंकि हो सकता है आप किसी मुसलमान भाई से बात करो कि भाई पैदाश से ही हर नबी नबी होता है, तो वो कहेगा साहब 40 बरस की उम्र में नबूवत जाहिर हुई, आप कैसे कह सकते हैं? उसको ये बात सुनाना जो मैं आपको अभी सुनाता हूं। बीबी मरियम हामिला थी, ईसा अलैहिस्सलाम की जो मां थी, आखिरी दिन डिलीवरी के जब नजदीक आए तो खुदा ने फरमाया, आए मरियम इस जमात खाने में से के मस्जिद के सिनेगॉग में से बाहर निकल, क्योंकि ये जगह वो है जहां डिलीवरी नहीं हो सकती। बीबी मरियम बाहर चली गई, वो जो सिनेगॉग था यानी मस्जिद का इबादत खाना जो कुछ भी कहो, उसके पीछे एक बाग था, बगीचा था, उधर बहुत से खजूर के दरख्त भी थे। एक ऐसी जगह थी कि बहुत से दरख्त एक दूसरे से ऊपर मिले हुए थे, तो छत की तरह, साय की तरह हो गए, और जगह जाने के लिए थोड़ी सी, ऐसा समझ लो कि कुदरती एक रूम की तरह था। बीबी मरियम वहां अंदर चली गई और तीसरे दिन उनको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। आपको मालूम है कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ताला ने हमेशा इब्ने मरियम कहा है, मरियम का बेटा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था।
अब ये चीज ऐब है। बीबी मरियम को बच्चा हुआ शादी के बगैर, बाप के बगैर, ये एक बुरी चीज है समाज के अंदर, लेकिन अल्लाह का कर्म था। तीन चार रोज के बाद ईसा अलैहिस्सलाम को नहलाया धुलाया, साफ किया, कपड़े में लपेट के अल्लाह ने हुक्म किया अब तुम जाओ शहर को, अपने घर जाओ। तो बीबी मरियम जब अंदर से बाहर निकली तो वही थी खुदा ने, ऐ मरियम मुंह बंद रखना, बोलना मत, अगर तुझे लोग कुछ सवाल करें तो इस बच्चे की तरफ इशारा करना। एक महीने के भी नहीं थे, बाज रिवायतों में एक हफ्ते के थे, बाज में एक महीने के थे, लेकिन छोटे से बिल्कुल इनफेंट नवे पैदा हुए बेबी थे। जब ही हजरत मरियम इनको गोद में लेके बाहर आई, रस्ते में लोग मिलने लगे तो मरियम की गोद में बच्चा देख के एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं ए मरियम तेरा बाप और माँ तो अच्छे आदमी थे, यानी कि ये तूने क्या किया कि बे शोहर के बच्चा जना, गाली है, बेइज्जती है, अल्लाह का हुक्म ये था तुम कुछ बोलना मत, बच्चे की तरफ इशारा करना। तो जब लोगों ने ये पूछा कि है मरियम तेरे मात पिता तो बहुत अच्छे लोग थे, ये तूने क्या किया, तो ऐसा इशारा किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे खुदा ने किताब दी है, मुझे हुक्म किया है कि मैं तुम लोगों को जकात का और नमाज का हुक्म करूं, यानी इबादत करो और खुदा ताला के रास्ते में उसके ड्यूज अदा करो। लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे कि ये एक महीने का बच्चा इस तरह बुजुर्गी से बोलता है, यानी अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम यूं कहते हैं कि मैं खुदा का नबी हूं। मोहम्मद का दर्जा ईसा से छोटा है? नहीं, मोहम्मद तो तमाम अंबिया के सरदार हैं, और मोहम्मद ही का नूर तमाम अंबिया में था, आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत मोहम्मद तक 1,24,000 नबी पैदा हुए। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि हर नबी में मेरा नूर था, क्योंकि खुदा ने सारी खलकत मेरे नूर से पैदा की है। सबसे पहले खुदा ने मेरा नूर अपने नूर में से जुदा किया और मेरे नूर से तमाम खलकत पैदा की। फरिश्ते मोहम्मद के नूर से निकले, जिन्नात मोहम्मद के नूर से निकले, जमीन आसमान मोहम्मद के नूर से निकले, हर शय जो खुदा ने क्रिएट की है वो मोहम्मद के नूर में से पैदा की गई है। यानी दूसरे मानों में ये है कि क्रिएटर मोहम्मद है, खुद अल्लाह ताला के पैगंबर के अल्फाज हैं, मेरे नहीं। और खुदा ताला ने कुरान शरीफ में मोहम्मद को रऊफ रहीम कहा है कि जो सिर्फ खुदा ही के लिए इतलाक होता है, दूसरे के लिए नहीं कही जा सकता। अल्लाह रऊफ है, रहीम है, लेकिन खुदा ताला ने सूरह तौबा के अंदर मोहम्मद को भी रऊफ रहीम कहा है। यानी अल्लाह और मोहम्मद के नूर में कोई तफावत नहीं की गई। ये वो नुक्ते हैं कि जो आम लोग नहीं समझते दीनदारों, लेकिन इस्माइली मजहब ने हमको ये इल्म सिखाया हुआ है, वो नूर के जो खुदा ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में रखा था वो मोहम्मद ही का नूर था। और तमाम जमाने के अंदर, हर जमाने में अल्लाह कहता है कोई कौम, कोई मुल्क, कोई कंट्री ऐसी नहीं कि जहां मेरे पैगंबर नहीं गए। यानी हर जमाने के अंदर खुदा ने पैगंबर बनाए हैं, सिर्फ यही पैगंबर नहीं कि जो मिडल ईस्ट के अंदर बिब्लिकल पैगंबर हुए। अगर खुदा सच्चा है तो चीन में भी पैगंबर होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में भी होना चाहिए, हमें मालूम नहीं है। 1,24,000 पैगंबर हैं, हमको तो 96 पैगंबरों का पता लगता है, 97th कौन था वो भी पता नहीं, हमको नाम का पता नहीं। लेकिन हर जमाने के अंदर खुदा का एक नूर दुनिया में मौजूद था, हर जमाने के अंदर और हर कौम के अंदर, हर मुल्क के अंदर और अंदर। खुदा ताला की ये जो मखलूकात है, खुदा की ये जो दुनिया है,
وہ ہدایت کے بغیر نہیں رہ سکتی. اگر محمد رسول اللہ کے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے دینداروں تو خدا جھوٹا ہوتا ہے. استغفر اللہ, محمد کے گزر جانے سے خدا کی ہدایت بند نہیں ہو سکتی. محمد کا بدن گزر گیا مگر اس کا نور قائم اور موجود ہے. اسی لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمام علم, یعنی جتنا بھی علم ہے, خدا تعالیٰ کے علم کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے نا, حاضر امام کے اندر اس تمام علم کو ہم نے اندر وقف کر دیا, حصار کر دیا ہے. یعنی کہ جو امام ہے وہ تمام علم کو ایسا باندھے ہوئے ہے. یہ اشارہ حضرت امام کی طرف ہے, یہ وہی اشارہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف تھا. 1400 سال ہوئے مولا علی سے لے کے آج تک, ہر اسماعیلی امام نے ظاہر میں پبلک کے اندر یہ اعلان کیا کہ ہمارا یہ جو امامت ہے یہ پرپیچول ہے, ہمیشہ رہے گی. کیونکہ یہ بھی اشارہ قرآن شریف کے اندر ہے کہ امامت پرپیچول ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے. امامت خدا کا نور ہے, اس کا دنیا میں موجود ہونا ضروری ہے. اگر یہ ان کا دعویٰ جو ہمارے اماموں نے کیا ہے, اگر یہ دعویٰ غلط ہوتا تو دینداروں کھوٹی چیز, غلط چیز, رونگ چیز 1400 برس چلی, ایک جنریشن چلے, دو جنریشن چلے, 100 برس چلے, 200 برس چلے, 1400 سال سے ان کا دعویٰ چلا آتا ہے کہ امامت ہمیشہ رہے گی. اور آج تک یہ دعویٰ چالو ہے. جب حضرت امام تخت نشین ہوئے تو انہوں نے بھی یہی کہا, اور ان کے فرمان پڑھو تو کہتے ہیں امامت کا قیامت رہنے والی ہے, امامت کبھی مٹتی نہیں, مرتی نہیں. اور یہ بھی نہیں سمجھنا کہ امامت صرف علی سے چلی, علی کے پہلے بھی امامت تھی مگر ظاہر میں نہیں تھی. رسول اکرم نبی تھے, نبوت ختم ہو گئی لیکن ان کی ہدایت اور ان کا نور دنیا میں قائم رہا. محمد رسول اللہ مسجد میں آئے, امام حسن کو کندھے پہ رکھا ہوا تھا. ایسا ہی ایک واقعہ امام حسین کے ساتھ بھی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں انا من الحسن حسن منی, میں حسن میں سے ہوں, حسن میرے میں سے ہے. کیا مطلب اس کا؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ حسن محمد رسول اللہ سے ہے, ان کی بیٹی کا بیٹا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی محمد سے حسن ہے. لیکن ربی نبی یہ کہتے ہیں کہ انا من الحسن, میں حسن میں سے ہوں اور حسن میرے میں سے ہے. یہ بھول بھولیوں کی طرح ایک پزل ہے. محمد رسول اللہ سے حسن ہے, ٹھیک ہے, لیکن حسن میں سے محمد رسول اللہ کیسے ہوں؟ اس طرح کہ جو نبی کا جو نور ہے وہ امام حسن میں ہے, علی کا نور ہے وہ امام حسین میں ہے. یہ علی اور نبی کا جو نور ہے جو تمام سرشتی کے قابو میں رکھنے والی قوتیں ہیں, یہ دونوں ہمیشہ دنیا میں رہیں گے. نبی کی وہ حدیث جس کو ہم حدیث ثقلین کہتے ہیں کہ میرے بعد دو چیزیں رہیں گی, ایک کتاب اور ایک میری عطرت. اور نبی فرماتے ہیں یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے اور قیامت تک چلیں گے. یہ ایک رسی کی طرح ہے, ایک جو روپ ہوتا ہے اس میں دو رسیاں اس کو ایسا ٹوسٹ کر کے بناتے ہیں, وہ روپ ہوتا ہے. اس کو عربی زبان میں حبل کہتے ہیں. یہی حبل اللہ ہے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ اعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رکھو اور جدا جدا مت ہو جاؤ. مطلب کہ اس رسی کو چھوڑنا نہیں. تو کون سی رسی ہے؟ دکھتی تو نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی رسی نکلی ہوئی ہوئے. وہ رسی آل رسول ہے کہ جس کا درجہ قرآن جتنا ہے, کتاب اللہ اور عطرتی, اللہ کی کتاب اور میری عطرت. جیسے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کتاب اور اپنا نور بھیجے, قرآن اور رسول کی حدیث بالکل ملتی ہیں. اس دنیا کے اندر ایک بھی منٹ اگر امام زمان کا پاؤں نہ ہوئے
تو رسول اللہ کہتے ہیں یہ زمین برباد ہو جائے اور اس دنیا کے اندر ہماری ہدایت کے لیے وہ خدا کا نور موجود ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں دوسروں کو پتا نہیں؟ دوسروں کو پتا ہے دیندار. بہت سے اسماعیلی ہیں کہ جن کو امام کی شناخت نہیں بلکہ امام کے مسخری کرتے ہیں اور ہمارے دین کی دشمنی بھی کرتے ہیں حالانکہ اسماعیلی ہیں. لیکن بہت سے نان اسماعیلیز ایسے ہیں کہ جو ہمارے مولا کو امام کے طور پہ مانتے بھی ہیں اور بڑی عزت کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں. 10 دن ہوئے پیرس کی یونیورسٹی سوربون کا ایک پروفیسر اور خود ادھر وینکوور میں آئے. وہ سوربون یونیورسٹی پیرس میں اسلامیات کا یعنی اسلامک اسٹڈیز کا پروفیسر ہے. خود الجیرین ہے, سنی ہے. جب اس نے لیکچر دیا تو ہم کو اتنی خوشی ہوئی. فلسفر ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اسماعیلی لوگ خود کو نہیں سمجھتے, تم اپنے مذہب کو نہیں جانتے اچھی طرح. ساری دنیا کے اندر اتھارٹی کہیں بھی نہیں ہے تمہارے سوائے. تمہارے پاس اتھارٹی ہے جو حضر امام ہے, اور اس نے یہی لفظ حضر امام کہا. ساری دنیا میں کہتا ہے پاور ہے. پاور اور اتھارٹی دو جدی چیزیں ہیں. جیسے راجا ہے, پریسیڈنٹ ہے, جنرل ہے, ان کے پاس پاور ہے لیکن اتھارٹی نہیں. اتھارٹی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو حقیقت کے اندر وہ کام کرنے کی خدا تعالی کی طرف سے اپوائنٹمنٹ ہوئی ہوگی. کتنے پریسیڈنٹ ہماری نظر کے سامنے اسٹیٹس میں نکل گئے, دنیا میں کتنے راجے آئے, کتنے چلے گئے, لیکن یہ ایک ہی نسل ہے حضرت امام کی, علی سے لے کے آج تک, بلکہ علی کے اوپر بھی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم, حضرت نوح, حضرت موسیٰ, حضرت داؤد, حضرت عیسیٰ, حضرت محمد علی, یہ جو نسل ہے نا حضرت امام کی, جو بنشاوڑی ہے, یہ اس زمانے سے چلی آتی ہے. 10-12 دفعہ ہمارے دشمنوں نے, خاص طور پہ عباسیوں نے, حضرت امام کی یہ جو جینیولوجی ہے اس کو ہیر پھیر کرنے کی, جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی, بہت کوشش کی. بنی امیہ کے زمانے سے یہ چورس چلی, مگر عباسیوں نے 800 برس حکومت کی. اس کے اندر بہت سے لوگوں نے ہمارے اماموں کے خلاف بہت سی کتابیں لکھی. وہ لوگ لکھنے والے, کہنے والے سب مر گئے, فٹ گئے, ختم ہو گئے, نام و نشان بھی نہیں رہا. اور یہ نسل آج تک چلی ہے اور قیامت تک کہتا ہے چلے گی. میں ابھی وہ چیز ریپیٹ کروں کہ جھوٹ کتنے دن چلے؟ ایک جنریشن چلے, دو جنریشن چلے. آپ کو معلوم ہے مومنوں, رسول اللہ کی وفات کے بعد, یعنی خود رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, تو اس کو ساتھ اگر لے لیں تو آج تک 32 مسلمان آدمیوں نے نبوت کے دعوے کیے, پیغمبری کے دعوے کیے. 32 آدمیوں نے گئے 1400 سال نبوت کا دعویٰ کیا. کدھر ہیں وہ؟ ان کی ونشاوڑی بھی ملتی نہیں, ان کی فیملی میں سے بھی کوئی ملتا نہیں. مر کھپ گئے, سب ختم ہو گئے, کیونکہ جھوٹے تھے. مگر یہ ایک ہی سچی نسل چلی آتی ہے. مولانا حضرت امام نے شادی نہیں کی تھی. پریس والوں کی ایک کانفرنس تھی, میٹنگ کے اندر ایک آدمی کہتا ہے کہ یور ہائنس, آپ نے یہ کہا کہ یہ امامت پرپیچول ہے, ہمیشہ چلے گی, تو آپ نے ابھی تک تو شادی نہیں کی, لیکن مانو کہ آپ ابھی گزر جاؤ اور شادی وغیرہ نہ کرو تو یہ نسل بند ہوگی. حضر امام ہنس کے کہتے ہیں, میں تب تلک نہیں گزروں گا جب تک کہ میں اپنا سکسیس نہ چھوڑ دوں. اس قسم کی باتیں ہماری ہسٹری میں بہت ہیں. یاد رکھو مومنو, حق حق ہے. ہم لوگ خوش نصیب ہیں, تمام امت اسلامیہ کے اندر
کہ وہ چیز کے جو رسول اللہ کے زمانے کے اندر تھی وہ نسل با نسل ہر امامت کے دور میں ہم کو آج تک یہاں ملی، اور حضرت امام کی ہم نے بیعت کی، حضرت امام کی فرمان برداری میں رہے، اور ہم اس کے نور کی شناخت اگر پا سکیں کہ جو صبح 4 اور 5 بجے کے درمیان ایزی ہوتی ہے، بیت الخیال کی عبادت کرنے سے آپ کو یہ سچائی کا علم ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے. مولانا حضرت امام اللہ کا نور ہے، قرآن شریف کے حساب سے وہ ہمارا گائیڈ ہے، ہماری اتھارٹی ہے، اولی الامر ہے، نبی اور علی کا جانشین ہے، اس کے پاس ہی حق ہے. ساتھ نے بہت دفعہ فرمانوں میں کہا کہ جو کچھ بھی مذہب کے اندر روایات ہیں اور فنڈامنٹلز ہیں وہ سب کے سب کوئی چینج نہیں کر سکتا میرے سوا. یہ دعویٰ ہے نا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ٹریڈیشن، مولا فرمایا چینج نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں نہ کہوں. اٹس مائی پریروگیٹو. یہ چیز سوچنے جیسی، اپنے ایمان کو پہچانو، ایمان کو جانو، ہسٹری پڑھو اور خود بھی سوچو، حق نہ حق کا فیصلہ کرنے کی ٹرائی کرو اور علم سیکھنے کی کوشش کرو، تو آپ کے دل کے اندر خدا کا نور پیدا ہوگا. میں 4 دن انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں. آپ میں سے اور بھی کسی کو میرے سے کوئی سوال وغیرہ کرنے ہیں، میں خوشی سے اس کی خدمت کے لیے تیار ہوں. آج میری اتنی ہی آواز قبول کرو. مولا آپ کو سکھی آباد رکھے، ایمان کر سلامتی دے رہے، دستور سپرد میں پورا رکھے، فرمان بردار مومن بنا رہے، دین دنیا کی نعمتیں دے رہے، دین دنیا کے اندر سکھی آباد رکھے، آپ کی نیک امیدیں پوری کرے. مولانا حضرت امام آپ کی جان مال آل اولاد میں، آبرو میں، عزت میں.